ग्वालियर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक लिव इन पार्टनर ने अपनी साथी को कार से रौंद दिया। ये घटना शहर के एक व्यस्त इलाके में हुई, जहां आरोपी ने गुस्से में आकर अपनी पार्टनर को जानबूझकर कार से कुचल दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने राजकोट से आरोपी को दोस्त के कमरे से दबोच लिया है। जानकारी के अनुसार सिवोल थाना क्षेत्र के ऑरेंज वुड्स विला के रहने वाले अरविंद परिहार और नंदनी लिविन में रहते हैं। अरविंद की पत्नी नंदनी पहले से ही शादीशुदा थी। नंदनी अपने पहले पति से तलाक लिए बिना ही आरोपी अरविंद के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगी। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद होने लगा। अरविंद ने अपनी कार से नंदनी, उसके बेटे और माँ को कुचलने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सरोल थाना अंतर्गत अभी हाल ही में एक युवक अरविंद परिहार के द्वारा अपने लिव इन पार्टनर सहित उसके पूरे परिवार को कुचलने की कोशिश की गई थी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी। वह घटना दरांग से ही लगातार फरार चल रहा है। पुलिस के द्वारा हत्या के प्रयास की सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। अभी पुलिस ने इसको राजकोट गुजरात से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और उसको ग्वालियर लाया जा रहा है। जल्दी इससे घटना के पीछे के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त किए जाएंगे और किस आशय से ये घटना की गई थी, क्या विवाद की वजह थी, पूरी डिटेल स्टेटमेंट नोट किए जाएंगे।